हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने आज अपने जल्दी जल्दी से कमरा संभालने लग गई थी। ये हो रहा है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके थे और इसी टाइम पे शिवानी को स्कूल से फ़ोन आ गया कि शिवानी घर पे फाइल भूल गई थी, तो मुझे वहाँ ले जाना था। तो मैं यही तय लगा के मैंने कहा जल्दी नहा के चली जाती हूँ। देख सकते हैं सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, तीन तीन चार चार कमरों को समवाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले पापा का रूम समवा दूँ, क्योंकि इसी में स्टिचिंग वाले लोग आ रहे थे इस टाइम पे, और तब तक मैं जा कर के नहा के तैयार हो जाती हूँ। और ये भी नहा रहे थे उस टाइम पे, बोल रहे थे दोनों साथ ही चलते हैं। और यहाँ तब तक जब हम गए थे वहाँ पे स्कूल में, तो आते वक्त टाइम ज़्यादा हो गया था, नाश्ता मैं नहीं बना पाई थी, बच्चों को मैगी बना के दे दिया था, तो मैगी था तो इन्होंने कहा कि चलो छोले भटूरे ले लेते हैं, वही खा लेंगे दोपहर। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो बोले क्या बनाओगी, चलो ले लेते हैं। तो वही मैं थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ, यहाँ मैं घर आ गई थी। मैं रास्ते में नहीं ले पाती हूँ क्लिप, आदत नहीं है मुझे कि मोबाइल गिर जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा डरती हूँ। वैसे ये डर ख़त्म करूँगी बहुत जल्द मैं भी। ये भी तो ये वहाँ का सलाद था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वहाँ का छोले भटूरे उनको बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं वहाँ के छोले भटूरे, इन्होंने 2 प्लेट लिया था, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था, यही खाए थे और रख दिया था। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो खींच ली थी, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर मैंने उसी के बाद एक सूट आ गया ऐसा डल्ली कि मुझे गाँव जाना है, एक सूट सिल दो प्लीज़ मेरा। तो मैंने बोला कि चलो सिल देते हैं, अब तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन सिलना सिलने से क्या है ना, तत्काल तुरंत के कपड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे, तो फिर मैंने कहा चलो सिल। तो ये मैंने जल्दी से सिल दिया था और शाम हो गई थी तब जी, तक। आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सुबह से आज वीडियो नहीं शूट किए। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी सो के उठी हूँ कुछ देर पहले ही। तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी मैंने अभी मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह में ना तबीयत ठीक नहीं थी। और एक सूट किसी को देना था, वो सिल के दिया, उनकी आज की ट्रेन थी वो चली गई है, वो भी देना बहुत ज़रूरी था। तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ नवरात्र में इस तरीके से पूजा होती है, उसी का है। तभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ, फिर पौधों को पानी दूंगी। शिवानी को उठाई हूँ, मैंने चाय बनाई थी तो उसके मामा को दे दी थी बना के, वो 5 बजे ही पीते हैं चाय, तो बोले थे 1 कप चाय बना के दे लो, तो उनके दे दिया था मैंने। अब शिवानी मेरे और अपने लिए बनाएगी चाय। और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मतलब जो जो थोड़ा बहुत आज गई थी शिवानी, आज अपना फाइल घर ही पे भूल गई थी, तो उसको स्कूल जाना पड़ा था। तो मैं वहाँ से आई थी तो हम छोले भटूरे लाए थे, हम पति मियाँ बीबी, तो ये बोले कि खा लेते नाश्ता कर लेते, क्योंकि अभी ठीक नहीं थी फिर बनाना था खाना, तो बोले नाश्ता नाश्ता कर ले फिर दवाई खा के, अगर टाइम जब ठीक हो जाएगी तो दोपहर में कुछ भी बना लेना चावल वावल छोंक के। तो मैं वही खा पी के अब बैठे हम लोग और सो के उठ गई हूँ। शिवानी आई है चाय बनाएगी और मैं कपड़े धोऊंगी बर्तन धोऊंगी। क्या बेटा पानी पीने का? हाँ क्या बनेगा? यही बनाऊंगी मैं बस, तुम रोटी बना लो। सहजन बनाऊंगी आज, आज बनाऊंगी सहजन आलू की सब्जी, थोड़ा रुक के बनाऊंगी, पहले कपड़े वपड़े धो लूँ। तो मिलते हो आप लोग से थोड़ी देर में। ब्लॉग पूरा देखा करिए, और पूरा अब मेकअप पोत के नहीं आ पाती हूँ मैं सबकी तरह बहुत अच्छे से, भाई टाइम नहीं मिलता, घर गृहस्थी वाला इंसान परिवार वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ होता है, अपने लिए निकालना चाहिए, ये बात सच है, पर मैं स्टिचिंग के चक्कर में नहीं कर पाती हूँ। तो भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेकअप करके ही आऊँ थोड़ा बहुत, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए आप लोग के पास मेरा ब्लॉग पहुँचेगा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अब सबकी तरह मैं नहीं ब्लॉग बना पाऊँगी जिस तरीके से सब बनाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम आप लोग से शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। यहाँ पे हो रहा था रात का टाइम, तो शिवानी को सील पे मसाला पीसने नहीं आता है, तो और मेरी मिक्सी हो गई थी ख़राब, तो इसलिए मैंने कहा बेटा मुझे दे दो मैं पीस देती हूँ। तो कच्चा मसाला की सब्ज़ी बनाना था, तो मैंने कहा इसके बाद मैं क्लिप ले ही नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और जब मैं ये क्लिप डाल रही हूँ तो बहुत बीमार हूँ,
पर मैंने कहा मुझे डालना तो है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़।